गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। आज मैं सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए, जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो इकोनॉमिक्स में टॉपिक है, जो उनका टाइटल है उनके पेपर का, पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें आज एक क्लास, एक टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको बेसिकली देखना है पब्लिक फाइनेंस, इसके मीनिंग, इसके नेचर और इसके स्कोप के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा कि पब्लिक फाइनेंस कहते किसे हैं, पब्लिक फाइनेंस के नेचर क्या होते हैं और इसके स्कोप कैसे हैं। तो पब्लिक फाइनेंस के विषय में साधारण शब्दों में आप इस तरह से भी डील कर सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के आय, व्यय, ऋण और वित्तीय प्रशासन से संबंधित कार्यों का अध्ययन होता है। इस संदर्भ में बहुत सारे डेफिनेशन डिफरेंट अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं, जिसको आप फर्दर आगे हमारे नोट्स में देखेंगे। मैं आपके लिए कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किया हूं और उस नोट्स की सहायता से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसमें सबसे पहले साधारण शब्दों में एक डेफिनेशन देना होगा और डेफिनेशन के बाद आप इनके नेचर के बारे में, जो इससे बेसिकली ग्रुप बी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्वजनिक वित्त विज्ञान भी है और कला भी, कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो इसमें आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि सार्वजनिक वित्त के स्कोप कैसे हैं, उनका क्षेत्र कैसा है, यानी विषय का जो अध्ययन है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। इसमें सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय प्रशासन, ये चार विभाग हैं जिन्हें प्रोफेसर डाल्टन ने अपने साधारण शब्दों में डील किया है, उसको भी आप देख पाएंगे। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक आसानी से कवर हो जाएगा, जिसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाया है, उस नोट्स को भी आप आसानी से देख सकते हैं और उस आधार पर आप इस कॉन्टेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप उस नोट्स को देखिए। सार्वजनिक वित्त में के डेफिनेशन में आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, सार्वजनिक वित्त का अर्थ केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की आय एवं व्यय तथा इनके नियमों से है। इस संदर्भ में बेस्टबल ने अपना डेफिनेशन दिया था, जिसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस डील्स विथ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन एंड ऑल्सो विथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, सार्वजनिक वित्त राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों की आय व्यय तथा आपसी संबंधों और उसके वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रणों का कामकाज है। फिर इस संदर्भ में फिंडले सिराज ने भी डिफिनेशन दिया था। फिंडले सिराज का डिफिनेशन था, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड राइजिंग द फंड्स बाई पब्लिक अथॉरिटीज। फिंडले सिराज के डिफिनेशन को आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा धनराशियों के व्यय एकत्र के करने के नियमों का अध्ययन सार्वजनिक वित्त है। उर्सुला हिक्स ने भी संदर्भ में कहा था, इस परिभाषा को आसानी से आप देख सकते हैं। और इस प्रकार संक्षेप में फिर आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार सार्वजनिक वित्त आय तथा व्यय को संचालित करने वाले नियमों तथा केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए आय एवं व्यय का अध्ययन करता है। नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस में ग्रुप बी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त विज्ञान और कला दोनों है कैसे। तो इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पहले विज्ञान के रूप में एज अ साइंस, क्योंकि सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज नोन एज अ साइंस। दूसरे शब्दों में कहा भी जा सकता है कि विज्ञान नियमों या सिद्धांतों का एक समूह होता है, या नियम या सिद्धांत कारण और परिणाम के संबंध पर आधारित होते हैं। राजस्व में सरकार की वित्तीय क्रियाओं एवं उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और नीतियों के बारे में विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। विज्ञान के भी दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में आप देखते हैं व्हाट इट इज एंड नॉर्मेटिव में आप देखते हैं व्हाट इट शुड बी। इस तरह से आप
वीडियो को पॉज करके भी नोट को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं कला के रूप में, कला के रूप में एज एन आर्ट्स। सार्वजनिक वित्त एक कला भी है, इसके संबंध में राजकोषीय नीति से है जो देश की आर्थिक स्थिति तथा देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, जैसे राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कर लगाना अथवा पुराने में वृद्धि करना, यानी पुराने करों में वृद्धि करना, जो कि इतना आसान काम नहीं है। अतः वित्त मंत्री को कब और कितना कर लगाना है इसकी योजना बनानी पड़ती है। यदि वित्त मंत्री स्रोतों से कर संग्रह करके विभिन्न रूप से अधिकतम सामाजिक कल्याण में व्यय करने में सफल हो जाता है तो राजस्व एक सुंदर कला है, एक सुंदर कला है। तो कर लगाना और वित्त संग्रह करना भी एक कला है। इस संदर्भ में उर्सुला हिक्स ने भी डिफिनेशन दिया था, पब्लिक फाइनेंस इज एन इट इज कंसर्न विथ एक्चुअल प्रॉब्लम्स, यानी राजस्व एक कला है क्योंकि इसका संबंध वास्तविक समस्याओं से है। फिर आप देखेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी सार्वजनिक वित्त का विषय क्षेत्र क्या है। तो डाल्टन ने संदर्भ में विषय क्षेत्र के संदर्भ में चार भागों में बांटा है इसे, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय प्रशासन। इस तरह से आप टॉपिक को पहले आप लिख लें कंटेंट को, फिर आप डील कर सकते हैं हर एक टॉपिक को 4 से 5 लाइन में। जैसे पब्लिक इनकम और रेवेन्यू, जिसमें आप टैक्स, शुल्क, जुर्माना, विशेष मूल्यांकन आदि को कंक्लूड करते हैं। फिर आप देखेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, इस संदर्भ में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर आप देखेंगे पब्लिक डेप्ट के बारे में, सार्वजनिक ऋण के बारे में। तो जब सार्वजनिक राजस्व सार्वजनिक व्यय में से कम हो तो सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए जनता से ऋण लेती है। और फिर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वित्तीय प्रशासन, इसके संदर्भ में भी आप वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपका ये टॉपिक बहुत आसानी से कवर हो जाएगा और आप इस टॉपिक पर अच्छे कंटेंट को तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात है कि आपको लिखने का अभ्यास करना होगा, तो निरंतर आप लिखने का अभ्यास करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा।